सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता फ्रॉम भारतीपुर फॉर कॉलेज दूर। और आज बीटेक एग्रीकल्चर फॉर थर्ड ईयर फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि सब्जेक्ट आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्ट एस्टिमेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेंट्स एंड पेंटिंग्स के बारे में। जो कि हमारा एक और बिल्डिंग मटेरियल, आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल्स। पेंट्स क्या होता है आप सभी जानते हैं, और इन पेंट्स को अप्लाई करने का प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, पेंटिंग्स। ठीक है, क्या कहलाता है आपका, पेंटिंग्स कहलाता है। ठीक है, तो देखो क्या बोलता है डेफिनेशन, पेंट्स आर ए लिक्विड कंपोनेंट्स। पेंट्स क्या बोल रहे हैं, एक लिक्विड कंपोनेंट है ऑफ ए पिगमेंट्स एंड बाइंडर्स, मतलब कि पिगमेंट्स एंड बाइंडर्स का एक लिक्विड कंपोनेंट है। ठीक है, ये पिगमेंट्स क्या होते हैं, क्या बाइंडर्स होते हैं, ये सब हम अभी आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो बाइंडर्स के लिए मैं आपको पहले से बता देता हूँ, हम नट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लिमसिड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, अलसी का तेल यूज़ कर सकते हैं, और पिगमेंट और आपका पिगमेंट्स में एन नंबर ऑफ टाइप के पिगमेंट्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि व्हाइट लीड होता है, रेड लीड होता है, आयरन ऑक्साइड्स होता है, ये सब हम आगे देखने वाले हैं। क्या बोल रहे, देखो, पेंट्स आर ए लिक्विड कंपोनेंट्स ऑफ ए पिगमेंट्स एंड बाइंडर्स विच वेन अप्लाइड टू द सर्फेस इन थिन कोट्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये लिक्विड कंपोनेंट होता है किसका, पिगमेंट्स एंड बाइंडर्स का, जब इसको हम सर्फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो, और सूखने के बाद आपको ये क्या प्रोवाइड करता है, एक थिन लेयर, एक सॉलिड फिल्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, वही बोल रहा है, देखो, विच वेन अप्लाइड टू द सर्फेस इन अ थिन कोट्स एंड ड्राई टू ए फॉर्म ए सॉलिड फिल्म। ठीक है, एक सॉलिड फिल्म फॉर्म करता है, और ये क्या इम्पार्ट करता है, ये सरफेस को क्या करता है, डेकोरेटिव फिनिश प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा भी क्या करता है, एक प्रोटेक्शन लेयर प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है हमारे सरफेस को, जो भी हमारा मटेरियल्स होता है उसके। ठीक है, जैसे कि कॉन्क्रीट मशीनरीज हो गया, प्लास्टर सर्फेस हो गया। ठीक है, किसके अगेंस्ट, वेदरिंग के अगेंस्ट और करोजन्स के अगेंस्ट और अदर केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल अटैक्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो आसान भाषा में समझते हैं, जब हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमारे स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स यूज होते हैं। एग्जांपल आप देख लो, आप यूज़ करते हो वहाँ पे, आप स्टील्स यूज़ करते हो, वुड्स यूज़ करते हो, कॉन्क्रीट यूज़ करते हो, मोर्टार यूज़ करते हो, है ना, एन नंबर ऑफ टाइप्स के वहाँ पर पाइप्स यूज़ करोगे। ठीक है, तो उन स्ट्रक्चर्स को अगेंस्ट दी बायोलॉजिकल अटैक्स, अगेंस्ट दी वेदरिंग, अगेंस्ट दी एटमोसफेरिक अटैक्स को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट्स लगाते हैं। उससे क्या होता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी लॉन्ग लाइफ बढ़ जाती है, सरफेस अच्छा दिखने लग जाता है, तो हमको डेकोरेटिव फिनिश मिलता है हमको सरफेस के ऊपर। ठीक है, जो कि दिखने में अच्छा होता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं नीचे में, देखो लास्ट लाइन, वाई पेंटिंग्स, क्यों पेंटिंग्स की जरूरत है। देखो, पेंट्स क्या करता है, प्रिजर्व करता है हमारे टिम्बर स्ट्रक्चर्स को, किसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, वार्पिंग के अगेंस्ट और डीके के अगेंस्ट। ठीक है, वार्पिंग एंड डीके के अगेंस्ट पेंट्स किसको करता है, टिम्बर्स को। तो टिम्बर्स पे क्यों अप्लाई करते हैं हमारे पेंट्स को, और क्या हम अप्लाई करते हैं, हम इसको मेटल सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, ताकि क्या हो, करोड ना हो, जंग मत लगे। अगर हम नहीं करेंगे तो होगा क्या, आपका मेटल्स खराब हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर अपने घर, आपके घर का कोई स्टील का जो मेन गेट होता है, आप करो एक काम करो, इसको बनवा के लाओ बाहर से फैब्रिकेशन शॉप से, और क्या करो, इसको ऐसे ही अपने घर के बाहर में, अपने घर के गेट में इसको अप्लाई कर दो, लगा दो, 2 साल के बाद देखना कि बारिश में क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा और आपको एक नया गेट लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने इसमें पेंट्स नहीं किया। अगर आप इसी चीज को पेंट्स करा दोगे तो इसकी जो लाइफ है 6 to 7 years क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, 6 to 7 years इंक्रीज हो जाएगी, और भी उसको पेंटिंग करने में भी उसका कॉस्ट आएगा, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा निकल के आएगी एज कम्पेयर टू उसके पेंटिंग के कॉस्ट से। ठीक है, तो सोचो छोटे से कॉस्ट में क्या, और हमारा 6 से 7 साल के लिए इसकी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो गई। और क्या बोल रहे हो, लास्ट पॉइंट, पेंटिंग, और क्या बोल रहे हो, लास्ट पॉइंट, पेंटिंग ऑन ए सरफेस इम्पार्ट डेकोरेशन एंड सैनिटेशन। क्या बोल रहा है, पेंटिंग क्या इम्पार्ट करता है, डेकोरेशन एंड सैनिटेशन। ठीक है, तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हो गए कि क्यों हम अप्लाई करते हैं पेंटिंग्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसके, कि एक गुड पेंट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे पेंट शुड भी क्या बोल रहे हैं, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए आइडियल पेंट। एक आइडियल पेंट की हम क्या देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होना चाहिए एक आइडियल पेंट। तो आइडियल पेंट कैसा होना चाहिए, आइडियल पेंट शुड बी फ्रॉम आइडियल शुड पेंट शुड फ्रॉम पेंट शुड फ्रॉम हार्ड एंड ड्यूरेबल सर्फेस। पेंट कैसा होना चाहिए, ये हमको हार्ड और ड्यूरेबल सर्फेस प्रोवाइड करे। ठीक है, और क्या ये प्रोवाइड करता है, पेंट एक अट्रैक्टिव अपीयरेंस हमको प्रोवाइड करता है हमारे सर्फेस के ऊपर, और ये क्या होता है, चीप होना चाहिए। ठीक है, और रेडीली अवेलेबल होना चाहिए मार्केट्स में, और ये होता भी हमको रेडीली अवेलेबल मिलता है हमको मार्केट्स में। ठीक है,
it should be such that it can be applied easily to the surface. Fourth, fifth point क्या हो रहा है, it should have a good spreading quality. ठीक है, स्पेंडिंग कैसा होना चाहिए, इजी टू अप्लाई होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप उसको ला रहे हो और उसको आप यूज ही नहीं कर पा रहे हो सर्फेस के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड हैव ए गुड स्प्रेडिंग क्वालिटी, मतलब कि ऐसा ना हो कि उसकी विस्कोसिटी इतनी ज्यादा है कि जैसे पेंट को यूज किया एक सर्फेस के ऊपर लगाने के लिए, वॉल के ऊपर लगाने के लिए, वो आप लगा यूजिंग लगा ही नहीं पा रहे क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, तो वो क्या होगा, स्प्रेड नहीं होगा अच्छे से, और स्प्रेड नहीं होगा तो अच्छे से तो क्या होगा, आपका कॉस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा पेंट का, साथ में क्या होगा तो यूनिफॉर्म आपको कलर, ये यूनिफॉर्म आपको क्या होगा लेयर्स नहीं दिखाई देंगे. ठीक है, और क्या होता है, देखो इट शुड ड्राई इन रिजनेबल टाइम, ऐसा ना हो कि मैंने आज पेंट यूज किया उसको महीने भर लग गया सूखने में, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. आज अप्लाई किया तो एटलीस्ट उसको, अगर मान लो 2 दिन भी वो टाइम लेता है तो वो प्रॉपर सूख जाए ताकि हम उसके ऊपर एक और कोटिंग अप्लाई कर सकें. ठीक है, और क्या होगा, देखो इट शुड नॉट हैव ए हेयर क्रैक्स ऑन ड्राइंग, सूखने के बाद ऐसा ना होना चाहिए कहीं से आपको ऐसे क्रैक्स व्रैक्स देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. और क्या बोल रहा है, देखो इट शुड बी स्टेबल फॉर ए लॉन्गर पीरियड, ऐसा ना हो कि आज मैं अप्लाई किया और 6 महीने के बाद फिर से मेरे को पेंटिंग कराना पड़ रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. कैसा होना चाहिए, लॉन्गर ड्यूरेशन पे होना चाहिए, एटलीस्ट मैं आज मैंने पेंट करा तो 2 साल मेरे को देखना ना पड़े. इट शुड भी क्या होना चाहिए, अफेक्टेड फ्रॉम एटमोस्फेरिक एजेंसी, मतलब कि इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाई द एटमोस्फेरिक एजेंसी, पेंट ऐसा होना चाहिए कि वो एटमोस्फेरिक एजेंसी से जो भी आ रहे हैं उनको रसिस कर सके और अफेक्ट ना हो खुद भी. ठीक है, ये कुछ उसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमको मार्केट्स में जो हमको पेंट्स मिलते हैं कंपनीज के नेम, जैसे कि ड्यूलेक्स हो गया, एडवांस पेंट्स हो गया. ठीक है, एशियन पेंट्स जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा चलता है, ड्यूलेक्स चलता है. इसके अलावा हमारे यहाँ बर्गर चलता है, बर्जर पेंट्स चलता है, अपोलो पेंट्स चलते हैं, ये कुछ फेमस पेंट्स हैं. इनके अलावा भी जैसे कि ब्रिटिश पेंट्स हैं, एन नंबर ऑफ टाइप्स के हमारे यहाँ पे कंपनीज हैं. ठीक है, जो कि मार्केट्स में अवेलेबल है. अब इसके कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं, कंपोनेंट्स मतलब कि क्या, इसके सॉरी कंपोजिशंस ऑफ दी पेंट्स की बारे में बात करते हैं, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. तो देखो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, इसमें बेस होता है आपका, व्हीकल्स होते हैं, इसमें पिगमेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट्स होते हैं, ड्रायर्स होते हैं, अडल्ट्रेंट्स होते हैं. ठीक है, ये इसके क्या हो गए, इंग्रेडिएंट्स हो गए. अब इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के ऊपर हम बात करेंगे कि ये बेस क्या होता है. देखो बेस क्या होता है, बेस एक क्या होता है, बाइंडर मटेरियल, सॉरी एक सेकंड ना, ठीक है. तो देखो बेस क्या काम कर रहा है, बेस क्या काम कर रहा है, एक प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट से बोल रहा है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेन इंग्रेडिएंट्स है. ठीक है, ये ठीक है मेन इंग्रेडिएंट्स है. ये किस फॉर्म में होता है, ये बेस, ये जो पेंट में ये बेस किस फॉर्म में होता है, ये होता है आपके मेटेलिक ऑक्साइड्स के फॉर्म में होता है, मेटल ऑक्साइड्स के फॉर्म में होता है. ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स के फॉर्म में होता है. और क्या बोल रहा है, ये पेंट्स का क्या काम होता है, ये पेंट्स का मेन पार्ट होता है, ये पेंट को सूखते समय क्या करता है, सूखते समय श्रिंकेज और क्रैकिंग से क्या करता है, बचाता है या फिर उसको कम करता है. और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास ये व्हाइट लेड के फॉर्म में होता है, रेड लेड के फॉर्म में होता है, जिंक वाइट्स के फॉर्म में होता है, इसको हम जिंक ऑक्साइड्स भी बोल देते हैं. ठीक है, और या फिर सॉरी जिंक लेड है ना, एल्यूमिनियम पाउडर या फिर आयरन ऑक्साइड्स के फॉर्म में ही होता है हमारे पास. इसके अलावा भी हमारे पास टाइटेनियम के फॉर्म में भी होता है एज अ बेस. अब इनका काम क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि ये बेस क्या करते हैं, पेंट में एज अ मेटल ऑक्साइड्स के फॉर्म पे होता है ये बेस. ठीक है, और ये पेंट का क्या काम करता है, ये पेंट को श्रिंकेज और क्रैकिंग्स को कम करता है. ठीक है, अब इसमें जो रेड लिड और जो व्हाइट लिड होता है, ठीक है, क्या क्या होता है, रेड लिड और जो व्हाइट लिड होता है, इनका काम क्या होता है, अगर हम लोग पेंट में एज अ बेस के रूप में अगर रेड लिड यूज किए तो क्या होगा, पहली बात ये रेड लिड यूज कहाँ करते हैं, देखो जब कभी हम कोई स्टील के स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, स्टील यूज करते हैं, तो वो स्टील के सरफेस पे जब हम कोई पेंट्स करना होता है तो उस टाइम जो पेंट्स हम यूज करते हैं उसमें जो बेस होता है वो रेड लिड होता है. ठीक है, और ये रेड लिड का काम क्या है, ये रेड लिड आपका करोजन रेजिस्टेंस बढ़ाता है. ठीक है, करोजन रेजिस्टेंस कैपेसिटी क्या करता है, बढ़ाता है, हाई कर देता है, ठीक है, किसकी, पेंट्स की. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, जंग रोधक क्षमता. ठीक है, और जो व्हाइट लिड होता है, व्हाइट लिड का क्या काम होता है, व्हाइट लिड का काम होता है, हम जब कभी कोई टिम्बर्स का स्ट्रक्चर्स तैयार करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम जब कभी उसको पेंट करना होता है, जो पेंट यूज करते हैं उसमें जो बेस मटेरियल्स होता है वो किसका होता है, आपका व्हाइट लिड्स का होता है. इससे क्या होता है, उसके भी रेजिस्टेंस कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट इसमें देखो हम आयरन ऑक्साइड्स भी यूज करते हैं, आयरन ऑक्साइड्स का काम क्या होता है,
ये एक तरह के प्राइमर कोट का काम करता है, जो क्या करता है उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर्स को, कौन से स्ट्रक्चर्स को, लोहे के स्ट्रक्चर्स को। या उसके बाद हमारे पास जिंक ऑक्साइड्स होता है जिसको हम जिंक वाइट भी बोल रहे हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे जगह यूज़ करते हैं जहाँ पे सल्फर अटैक्स बहुत ज़्यादा होता हो, ठीक है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड यूज़ करेंगे एज अ बेस मटेरियल, ठीक है, बेस इंग्रेडिएंट्स किसमें, हमारे पेंट्स में। देन उसके बाद हमारे पास और भी जैसे कि टाइटेनियम है, टाइटेनियम मतलब कि क्या, इसमें हम इसको हम एनिमल पेंट्स में यूज़ करते हैं, एनिमल पेंट्स में, आगे देखेंगे क्या होता है एनिमल पेंट्स, ठीक है, उसमें इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये तो था क्या आपका व्हीकल्स, सॉरी बेस। अब बात कर लेते हैं किसकी, व्हीकल्स की बात कर लेते हैं, तो एक सेकंड बस। व्हीकल इसको हम और क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज अ बाइंडर, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज अ बाइंडर। ये क्या इम्पैक्ट करता है, ये हम एज इसको एज अ बाइंडर मटेरियल्स के रूप में यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको मिक्स करके अच्छे से रखते हैं और होल्ड कर देता है पेंट्स के अंदर में। और ये क्या इम्पैक्ट करता है, ये हेल्प करता है स्प्रेड होने के लिए, स्प्रेड होने में मदद करता है सरफेस के ऊपर, किसको, हमारे पेंट्स को, ठीक है। ये क्या इम्पैक्ट करता है, ये ड्यूरेबिलिटी इम्पैक्ट करता है, ठीक है, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यूरेबिलिटी इम्पैक्ट करता है, टफनेस इम्पैक्ट करता है, वाटर प्रूफनेस प्रोवाइड करता है किसको, हमारे पेंट्स की फिल्म को, और क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट दी वेदरिंग्स, ठीक है। अब व्हीकल्स मतलब कि क्या, बाइंडर, बाइंडर मटेरियल, ठीक है। ये बाइंडर्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम इसमें ऑयल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जैसे कि लिंसिड ऑयल जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अलसी का तेल बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास नट ऑयल है, पॉपी ऑयल है, टंग ऑयल है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये कुछ हमारे जो ऑयल्स हैं जिसको हम एज अ लिक्विड सॉल्वेंट्स के रूप में यूज़ कर रहे हैं, एज अ बाइंडर्स के रूप में जो ऑयल्स हैं, आपने उसके यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये हमारे लिए, बट अगर किसी को पढ़ना हो कि इन सब के बारे में तो यहाँ पे पढ़ सकता है, डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। बट ये हमारे को इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका पिगमेंट्स। पिगमेंट्स तो देखो, पहली बात पिगमेंट्स का क्या काम होता है, देखो सबसे पहली बात पिगमेंट्स जब कभी समझ में आए तो ये समझ लेना कि हम किसी पर्टिकुलर मटेरियल में हम कलर इम्पार्ट करने के लिए हम हमेशा पिगमेंट्स यूज़ करते हैं। देर आर एन नंबर ऑफ टाइप्स के पिगमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको कलर चाहिए आप वैसा पिगमेंट्स क्या करोगे, यूज़ करोगे। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, ये क्या इम्पार्ट करता है, डिजायर्ड कलर, जैसा भी आपको चाहिए, आपको रेड चाहिए, ब्लैक चाहिए, व्हाइट चाहिए, तो पिगमेंट्स का काम यही होता है कलर इम्पार्ट करना, ठीक है। और क्या बोला, देखो यूज टू हाइड द सर्फेस इंपरफेक्शन, अगर सर्फेस के ऊपर कोई इंपरफेक्शन है तो ये क्या करते हैं, उसको हाइड कर देते हैं, तो इसलिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं पिगमेंट्स का। और ये क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं किसकी, हमारी इम्परमेबिलिटीज को, ठीक है, और इन्हेंस करते हैं हमारे रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेदरिंग। और क्या बोला देखो, ठीक है, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, ग्राउंड मिनरल्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और मेटल पाउडर्स, ठीक है। तो इतना सफिशियंट है, इसलिए आपको डीप में पूछेगा नहीं, बट आपको अगर देखना है तो यहाँ पे नीचे पे लिखी हुई है कौन कौन से टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं, जैसे ब्लैक कलर के होते हैं, जैसे उसमें लैम्प ब्लैक लिखा हुआ है, सूट एंड चारकोल ब्लैक, तो इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ कुछ पॉइंट्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट्स क्या होते हैं देखते हैं, तो देखो सॉल्वेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, एक सेकेंड, सॉल्वेंट्स क्या बोल रहे हैं, ऑयल यूज टू टीम द पेंट्स एंड इंक्रीज द स्प्रेड्स, ऑल्सो नोन एज थिनर्स, क्या बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज थिनर्स। देखो कभी कभी क्या होता है, जब हमारे पेंट्स की विस्कोसिटी बढ़ जाती है ना, तो देखते हो घर में जब पेंट करने वाला आता है तो क्या करता है, वो तारपिन तेल को मिलाता है, वो तारपिन तेल को मिला के क्या करता है, पेंट्स को पतला कर देता है। उससे क्या होता है, जब आप इसको सरफेस पे जब पेंट्स करोगे तो जल्दी फैलेगा और क्या होता है वो, और फास्ट आप पेंट्स कर सकते हो, और उसकी जो जो फैलेगा पेंट्स आपका स्प्रेड होगा वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो क्या वही बोल रहे हैं, सॉल्वेंट्स क्या है, एक तरह का आपका लिक्विड मटेरियल है जिसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं हमारे पेंट्स के अंदर में, ताकि उसकी विस्कोसिटी हम क्या कर सकें, कम कर सकें। तो उसका बेसिकली यही मेन काम होता है, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ाना, किसको, हमारी सॉरी विस्कोसिटी कम करना, उसका जो गाढ़ापन है उसको कम करना, उसको और पतला करना। तो इसके लिए हम ऐसा यूज़ करते हैं थिनर्स, तो कभी कभी सॉल्वेंट्स को हम थिनर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे, देखो ये क्या बोल रहा है, दे मेक पेंट्स ऑफ ए वर्केबल कंसिस्टेंसी एंड इवोपरेट ड्यूरिंग ड्राइंग ऑफ द फिल्म, ठीक है। इट मेक्स पेंट थीनर एंड हैंड्स इट्स, ये इंक्रीज करता है इसके अपने कवरेज को, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए, देखो पेट्रोलियम एज अ स्पिरिट है, नेप्था है, एंड तारपीन ऑयल जिसको हम क्या बोल रहे हैं, तारपीन तेल सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है, आप ये देखोगे। इसके अलावा भी कई जगह देखता है मिट्टी तेल भी यूज़ कर दिया जाता है, बट जनरली तारपीन तेल यूज़ किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप पे क्या ड्रायर्स, ये ऑल्सो नोन एज प्लास्टिसाइजर्स, ठीक है, ये क्या है, केमिकल्स हैं जिसको हम पेंट्स में ऐड करते हैं फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है, दीज आर द मेटल कंपाउंड्स और मेटल लाइक दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ मेटल लाइक लीड, मैगनीज, कोबाल्ट, ठीक है, इसका क्या फंक्शन है, द फंक्शन ऑफ ए ड्रायर इज टू एब्सॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड सप्लाई इट टू द व्हीकल। अब व्हीकल क्या, हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था एक तरह का क्या था, बाइंडर्स था जो क्या करता सबको बाइंड करके रखता है जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है, व्हीकल फॉर द हार्डनिंग। लेकिन ड्रायर शुड नॉट बी दी द ड्रायर शुड नॉट बी एडेड अंटिल द पेंट इज अबाउट टू यूज। एग्जाम्पल एज ए ड्रायर्स का वर्ड कैटेलाइज फॉर एक्सलरेटिंग द ड्राइंग ऑफ व्हीकल, ठीक है, वॉट इज द क्वान्टिटी ऑफ ड्रायर, लिमिटेड टू 8%, ठीक, और क्या ये एक्सेस, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये बोल रहा है एक्सेस इफेक्ट अफेक्ट्स द इलास्टिसिटी ऑफ द पेंट एंड लीडिंग टू फ्लैकिंग, फ्लेम फेलियर। अगर आप ज़्यादा अमाउंट्स में अगर आप इसको यूज कर जाएंगे तो होगा क्या, आपको इलास्टिसिटी कम हो जाएगी हमारे पेंट्स की, और थोड़ा सा ये एक तरह का फ्लैकिंग क्या होता है, एक तरह का फेलियर होता है, डिफेक्ट होता है फ्लैकिंग, ये हम आगे अभी देखेंगे फ्लैकिंग क्या होता है, ये फ्लैकिंग क्या फॉर्म कर देता है वहाँ पे हमारे सरफेस के ऊपर, जो कि देखने में ना बड़ा अटपटा सा लगता है, बहुत ही बेकार लगता है, ठीक है, पूरा अपीयरेंस को ख़राब कर देता है, ठीक है। और ये जो आपका, जैसे कि मैंने बताया कि जो ड्रायर्स है आपका, ड्रायर्स का क्या काम होता है, ड्रायर्स का काम होता है जब उनको पेंट्स को जल्दी सुखाना होता है तो हम उसके लिए एक कंटेंट यूज़ करते हैं जिसी को बोल रहा है ड्रायर एज अ प्लास्टिसाइजर्स, ठीक है। और ये टोटल पेंट के वॉल्यूम का 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस कर लिया, क्वांटिटी ऑफ ड्रायर इज लिमिटेड टू 8%, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो, कोबाल्ट हो सकता है, लेड हो सकता है आपका, और क्या हो सकता है, मैंगनीज हो सकता है, लीथ्रेज हो सकता है इसके, ठीक है, ये सब कुछ इसके एग्जाम्पल हो गए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते, नेक्स्ट आपको क्या, एडल्ट्रेंट्स, क्या है एडल्ट्रेंट्स देखते हैं, तो देखो एडल्ट्रेंट्स, एडल्ट्रेंट्स का क्या काम है, ये क्या करते हैं, ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस करता है, ठीक है, और क्या करता है, रिड्यूस करता है पेंट्स को, और क्या करता है उसकी इंक्रीज करता है हमारे ड्यूरेबिलिटी को, ठीक है, पेंट्स की, ठीक है। और क्या होता है, देखो एडल्ट्रेंट्स ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस क्रैकिंग्स ऑफ ड्राई पेंट्स सूखने के बाद, क्योंकि अभी क्या होता है, क्रैक्स फॉर्म हो जाते हैं पेंट्स के अंदर में, ठीक है, तो उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। और ये कुछ उसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना 2 पॉइंट सफिशेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर आपको और ज़्यादा लिखना है तो आप नीचे पॉइंट्स कुछ मेंशन है उसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस पर इंपॉर्टेंट आपका डिफेक्ट्स है, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज भी इसमें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है आइडियल पेंट्स या फिर पेंट्स से कुछ प्रॉपर्टीज लिखिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, करेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, पेंट्स क्या है इसके डेफिनेशन इंपॉर्टेंट्स है, टाइप्स ऑफ पेंट्स इंपॉर्टेंट्स है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, देखो प्रॉपर्टीज क्या है आइडियल पेंट्स की, इट शुड बी पॉसिबल टू अप्लाई इजिली एंड फ्रीली, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था ये कैसा होना चाहिए, ये इजी और अप्लाई, इजी टू अप्लाई होना चाहिए और ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए जब इसको हम लोग अप्लाई करें तो, ठीक है। और क्या हो रहा है, इट शुड ड्राई इन रीजनेबल टाइम, ठीक है, इट शुड फॉर्म ए हार्ड एंड ड्यूरेबल सरफेस, इट शुड नॉट बी हार्मफुल टू द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। समटाइम्स होता क्या है, पेंट्स जब कभी भी होता है तो जिसको दमा उमा का प्रॉब्लम होता है, जिसको अस्थमा का प्रॉब्लम्स होता है, उस तरह के मरीजों को तो वहाँ से हटा ही देना चाहिए जब कभी भी पेंट का काम चले, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया जब कभी पेंट वर्क होता है तो जिसको अस्थमा का प्रॉब्लम्स होता है वो आदमी की कभी कभी डेथ भी हो जाती है, ठीक है, तो ध्यान रखना है सब चीज़ों का, ठीक है। इट शुड नॉट बी हार्मफुल टू द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। और क्या बोल रहे हैं, इट शुड नॉट बी इजिली अफेक्टेड बाई द एटमोसफेयर, इट शुड पॉजेस अट्रैक्टिव एंड प्लेजिंग अपीयरेंस, एंड इट शुड बी फॉर्म ए थिन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म नेचर, दैट शुड इट नॉट बी क्रैक, इट शुड पॉजेस अ गुड स्प्रेडिंग पावर एंड इट शुड बी चीप। अब देखो पहला जो कोर्स माना जाता है किसी भी पर्टिकुलर, जैसे कि हम टिम्बर्स के लिए अलग से बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, टिम्बर्स हो गया, मेटल्स हो गया, कि कैसे इनके ऊपर अप्लाई किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट सरफेस के ऊपर, और भी सर्फेसेस देखेंगे कि कैसे अप्लाई किया जाता है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट हम 3 टाइप के कोर्स करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर्स के ऊपर। सबसे पहले क्या करते हैं हम, देखे हो गया आप, पुट्टी करते हैं, पुट्टी को क्या करते हैं, अच्छे से रगड़ा जाता है रेतमल पेपर से, देन उसके हम क्या करते हैं, कोट्स प्रोवाइड करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमर कोट बोलते हैं, ठीक है, प्राइमर कोट जस्ट बिफोर दी पेंटिंग जो कोट प्रोवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राइमर कोट, ठीक है। देन प्राइमर कोट्स के बाद हम जाते हैं, कहाँ जाते हैं हम अपने
हम जाते हैं अपने फिनिशिंग कोर्स के ऊपर। जैसे ही प्राइमर कोर्स कंप्लीट हो जाता है, सूख जाता है, हम क्या करते हैं, फाइनल फिनिशिंग कोर्स या फिर फाइनल कोर्स अप्लाई करते हैं हमारे वॉल्स के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि टाइप्स ऑफ पेंट्स हैं, टाइप्स ऑफ पेंट्स इंपॉर्टेंट है क्या है, देखो कितना टाइप्स के पेंट्स होते हैं। पहला तो देखो यहाँ पे देखो ऑयल पेंट्स लिखा हुआ है, सिंथेटिक पेंट्स है, इमल्सन पेंट्स है, सेलुलोज पेंट्स है, वर्निश है, वाटर पेंट्स है, इनेमल पेंट्स, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बात की थी पेंट्स का नाम सुने थे इनेमल, आगे देखो टर्म्स, सीमेंट्स पेंट्स है, बिटुमिनस पेंट्स है, सिंथेटिक रबर पेंट्स है, एल्यूमिनियम पेंट्स है, एंटी क्रोजिव पेंट्स है। इसके अलावा भी एन नंबर ऑफ टाइप के पेंट्स आते हैं, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं हमारे किसमें सरफेस के ऊपर। तो इसमें आपको देखो पहला क्या ऑयल पेंट्स है, तो क्या बोल रहे हैं, दिस आर दी ट्रेडिशनल टाइप ऑफ हैविंग ए लिंसिड ऑयल मीडियम। ठीक है, दे आर रेस्पेक्टिवली टर्म्ड एज द प्राइमर्स प्राइम्स। ठीक है, कहाँ यूज़ करते हैं इसको, अंडर कोट्स में भी यूज़ करते हैं और ऐसा फिनिशिंग कोट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सस्ता होता है और इजी टू अप्लाई होता है और ये, ठीक है, क्या बोल रहे हो, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस कोट्स लाइक प्राइमरी प्राइमिंग कोट्स, फिनिशिंग कोट्स एंड अंडर कोट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, सिर्फ नाम पूछा जाएगा, जैसे कि सिंथेटिक पेंट्स है, कुछ स्टेप से दिखता है, आप जनरली देखोगे एशियन पेंट्स का ऐसा डब्बा आता था, तो ये क्या था आपका, सिंथेटिक पेंट्स से होता था। ठीक है, इसका क्या क्या ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आता है, ठीक है, यहाँ पे कलर्स दिख रहा होगा, इस टाइप के कुछ इसके डब्बे होते थे। ठीक है, नाम याद रखो, आपको डीप ये अंदर से कुछ नहीं पूछेगा कि किस टाइप का होता है क्या, ठीक है, बट आपको पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो। ये सेल्यूलोस पेंट है, ये जनरली आपको जब आप गैराज वगैरह जाओगे किसी गाड़ी वाड़ी के, तो वहाँ पे देखना जब कोई गाड़ी डेंट वेंट पड़ जाती है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, पेंट यूज़ करते हैं, देखे होगे स्प्रे में वर्क ऐसा मारते रहते हैं। ठीक है, तो वो वाला पेंट है, सेल्यूलोस पेंट। ठीक है, जनरली गाड़ी सॉरी में अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इनेमल पेंट्स, इसके बाद एक इनेमल पेंट्स के बाद आपका क्या, सीमेंट्स पेंट है, इनका कुछ कुछ यूजेस है, कहाँ अप्लाई किया जाता है, जैसे कि क्या बोल रहे हैं इसमें, एनिमल पेंट्स में क्या होता है आपका, व्हाइट लीड होता है, व्हाइट लीड क्या होता है मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, पेट्रोलियम स्पिरिट, ये सब क्या होते हैं आपके सॉल्वेंट्स होते हैं। ठीक है, ये क्या रेसिस्ट करता है, एसिड्स तो से रेसिस्ट करता है, एल्कलीज को रेसिस्ट करता है, गैस फ्यूम को रेसिस्ट करता है और वाटर को रेसिस्ट करता है। ठीक है, तो कुछ कुछ इसका छोटे छोटे यूजेस, आपको बस ये यूजेस याद रखना और सीमेंट्स आपके पेंट्स के नाम याद रखना है। नेक्स्ट है देखो आपका सीमेंट पेंट्स, ठीक है, अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म, वाइट सीमेंट्स, एक्सेलेटर, पिगमेंट्स एंड अदर एक्टिव, इसमें क्या होता है, एड्स होते हैं, उनसे मिलकर के ये बना होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये ड्यूरेबल होता है और ये वाटर प्रूफ का काम करता है, ऐसा वाटर प्रूफिंग इसकी प्रॉपर्टी अच्छी होती है। ठीक है, कितना अप्लाई करते हैं, सो कितना दो कोट अप्लाई करते हैं। ठीक है, कहाँ अप्लाई करते हैं, रफ सरफेस पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, और दो कोट जैसे ही पहला कोट लगाते हैं तो उसके बीच कितना गैप कितना होना चाहिए, 24 आवर का होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस नाम में आपको याद रखते जाना है। नेक्स्ट आपको देखो बिटुमिनस कोट्स, ब्लैक कलर का होगा ऑब्वियसली, नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है, किससे बना होगा, ये अस्फाल्ट से बना होगा। ठीक है, और कुछ वेजिटेबल बिटुमिन से और ऑयल से, उसमें ऑयल यूज़ किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर आयरन वर्क्स अंडर वाटर। ठीक है, इसकी क्या होती है प्रॉपर्टी होती है, गुड अल्कलाई रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जब आयरन का पाइप हम यूज़ करते हैं तब हम इसको वहाँ पे यूज़ करते हैं, इस टाइप के बिटुमिनस पेंट्स को, सिंथेटिक रबर पेंट्स। ठीक है, बहुत जल्दी सूख जाता है ये रेजिन से मिल करके बना होता है, प्रिपेयर से। ठीक है, रेजिन क्या होता है, एक तरह का प्लास्टिक्स होता है, जैसे आप सभी लास्ट टाइम पढ़े थे अपन प्लास्टिक दो टाइप के, कौन कौन से आपको याद होगा। ठीक है, एक तो कौन सा था आपका, एक पहला था आपका, पहला प्लास्टिक क्या होता था, एक तो सेटिंग वाला था और एक आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स एंड थर्मो आपका थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक्स। ठीक है, यही थे रसिस, क्या ये कर क्या कर रहा है, रसिस कर रहा है केमिकल अटैक्स को। ठीक है, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं फ्रेश कॉन्क्रीट्स के ऊपर, मॉडरेट कॉस्ट है एंड इजी टू अप्लाई है। ठीक है, और क्या करता है, यूनिफॉर्म मेंटेन करता है कलर्स को, यूनिफॉर्म कलर मेंटेन करता है। ठीक, सिंथेटिक रबर पेंट्स। नेक्स्ट आपका देखो क्या है, एल्यूमिनियम पेंट्स। ठीक है, क्या बोल रहे हो, फाइनली ग्राउंड एल्यूमिनियम इन स्प्रिट और ऑयल वर्निश जो कि सॉल्वेंट्स हैं। ठीक है, ये क्या होता है, विजिबल होता है डार्क कलर में। ठीक है, कहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं, सरफेस ऑफ द आयरन एंड स्टील्स, एक प्रोटेक्टेड लेयर फॉर्म करता है ये। सबसे पहले कहाँ यूज़ करते हैं इसका, हम गैस टैंक्स में यूज़ करते हैं, वाटर पाइप्स में यूज़ करते हैं, ऑयल टैंक्स में यूज़ करते हैं और वुडन वर्क्स में यूज़ करते हैं।
इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये वाटर प्रूफ होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी होता है, और करोजन रेजिस्टेंस होता है और वेयरिंग रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट आपका एंटी क्रोजिव पेंट्स, नाम से समझ में आ रहा है क्या रेसिस्ट करेगा, करोजन रेसिस्ट करेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे, वो कंसिस्ट ऑफ एसेंशियली ऑफ ऑयल, स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्ग ड्रायर, लीड और जिंक क्रोम, ठीक है, एंड फाइनली ग्राउंड सैंड्स, ठीक है। और क्या बोल रहे, ये चीप होता है और ये क्या रेसिस्ट करता है, करोजन रेसिस्टेंट करता है, किस कलर में होता है, ब्लैक कलर में होता है। इसका इसका जो एप्लीकेशन नाम है, इसको एज आईफिल टावर में यूज किया गया है, ठीक है, मेटल की सरफेस पे। इसके बाद आपका एस्बेस्टॉस पेंट आता है, एक एस्बेस्टॉस शीट्स आती है, उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो इस क्या बोल रहा है, स्पेशल पर्पज पेंट विच इज मेड फॉर मेड ऑफ फाइबर एस्बेस्टॉस, ठीक है। एस्बेस्टॉस एक तरह की मटेरियल होती है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, यूज जब हम सीट्स पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो यूज बोलते बोलते ऐसे जगह यूज करते हैं जहाँ पे हमारा कोई लीकेज वीकेज होने का चांसेस हो बारिश के कारण, तो वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं ताकि उस लीकेज को हम रोक सकें, ठीक है। और क्या बोल रहा है, देखो ये प्रोटेक्टिंग सरफेस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट एसिडिक गैस, ठीक है, और स्टीम्स। और क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, रसिंग रसिंग ऑफ पाउट्स, फ्लैशिंग एंड गटर्स, वहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, गटर्स वटर्स में, ठीक है। और क्या बोल रहा है, कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड यूजिंग एस्बेस्टॉस पेंट्स कोटिंग्स। नेक्स्ट आपका देखो सिलिकेट पेंट्स, लास्ट आपका ग्रेफाइट पेंट्स, ठीक है। तो कुछ कुछ पेंट्स हो गए, इनका ज़्यादा नाम बस आपको याद रखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे नोट डाउन है वो आपको नोट डाउन कर लेना है कॉपी में। वैसे यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ से तो इतना ही बस पूछा जाएगा कि पेंट्स क्या होता है, पेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये बताइए, ठीक है। तो इतना सफिशियंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको जितना पेंट्स के बारे में जानना था आपने जान गया है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। और थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं पे कम कम कर।